जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम क्षमा प्रार्थी हैं इसके लिए कि आज सवेरे के वीडियो में जो श्लोक थे वो किसी न किसी कारण से उस वीडियो में नहीं गिर पाए, नहीं पढ़ पाए। तो वो जो श्लोक हैं वो इस वीडियो के अंत में मैं आपको दे दूंगा। वो श्लोक को आप ले लीजिए और उन श्लोकों को सुनने से भी आपके बहुत सारे काम निकलने लग जाएंगे। जैसे जैसे आप उनको सुनते जाएंगे वैसे वैसे आपके काम बनते चले जाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा अमोघ टोटका बताने वाला हूँ कि इस टोटके के जरिए व्यक्ति की चाहे कितनी भी बड़ी ज़रूरत क्यों ना हो, उस ज़रूरत को वो बहुत ही आसानी से पार कर लेगा। चाहे उसकी कोई भी ज़रूरत हो, कितनी भी बड़ी ज़रूरत हो, इस टोटके को वो करता है तो उसका काम बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से निकल जाएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हम आपको बता दें कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में जुड़े हुए काफ़ी ऐसे रहस्य हैं उनके बारे में जानकारी देते रहते हैं। तंत्र मंत्र, टोने टोटके इत्यादि के बारे में बताते हैं। जो हिंदू धर्म में व्रत त्यौहार आते हैं, पूजा विधियां हैं, उनके बारे में बताते रहते हैं। तो यदि आप भी इस तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इस चैनल के माध्यम से इसी तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा टोटका, एक ऐसा अमोघ टोटका, एक ऐसा उपाय कि जिसको कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी संजोगों में कभी भी करता है तो वो कितनी भी बड़ी तकलीफ में क्यों ना फंस गया हो, उसकी उस तकलीफ से वो बहुत ही आसानी से बाहर आ सकता है। यह तकलीफ कोई भी हो सकती है। ये पैसे टके की तकलीफ हो सकती है, कोई बीमारी आ गई है, कोर्ट कचहरी का केस हो गया है, लड़के बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, घर का कोई व्यक्ति आपसे रूठ करके चला गया है, मतलब आप जीवन की किसी भी समस्या में यदि फंसे हुए हैं, कोई भी तकलीफ आपको यदि हैरान कर रही है और उस तकलीफ में से यदि आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तकलीफ इतनी बड़ी है कि आप उसके बाहर कुछ भी देख नहीं पा रहे हैं, आपकी जो नज़र है, आपकी क्षमता है, आपका विज़न है, आपका जान पहचान जो कोई भी है, वो यदि उस तकलीफ के बाहर तक आपको नहीं देखने दे रहा है तो इस टोटके को आप एक दफ़े आजमाइएगा। इस टोटके को करने से आपकी जो भी तकलीफ होगी वो सारी तकलीफ आपको दूर हो जाएगी। बहुत ही आसान टोटका है और ये जितना आसान है उतना ही शक्तिशाली है, उतना ही पावरफुल है। इस टोटके को आपको शनिवार के दिन करना है। कोई भी व्यक्ति इस टोटके को कर सकता है। इसके लिए किसी भी तरह के कोई पूर्व आयोजन की आवश्यकता नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं करनी है, कोई मंत्र जाप नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा झाल झमोल इसके लिए नहीं करना है। ये टोटका अपने आप में स्वयं बहुत शक्तिशाली है। आपको करना क्या है, शनिवार की रात्रि को आपको इस टोटके को करना है। वैसे आप यदि तकलीफ में फंस जाते हैं, बहुत बड़ी विडंबना आ जाती है, तो स्वयं भगवान कहते हैं कि फिर कोई भी वार, तिथि, नक्षत्र देखने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर उसी समय उस काम को कर दिया जाता है। लेकिन यदि आप थोड़ा समय ले सकते हैं तो इस टोटके को आप शनिवार के दिन कीजिए। शनिवार जब आप रात्रि को सोने के लिए जाते हैं, सारा ही आपका दिनचर्या जो भी है समाप्त हो चुकी है, इसके बाद जब भी आप सोने के लिए जाते हैं तो हाथ पैर धो करके स्वच्छ हो जाइए, थोड़ा सा हाथ में जल लेकर के अपने ऊपर छिड़क लीजिए, सिर पर छिड़क लीजिए, पवित्रो पवित्रो कर लीजिए और आप पवित्र हो जाएंगे। इस तरह से इसके बाद में आप एक लोहे का पात्र लें। लोहे का पात्र आप किस तरह का, एक जैसे प्याला ले लें, कटोरा ले लें, ऐसा कोई भी आप पात्र ले लें। इस पात्र में आप सरसों का तेल भर दें, थोड़ा खाली रहे इस तरह का, इसमें आप सरसों का तेल भर दें और इसको जहाँ कहीं भी आपका बिस्तर है, जहाँ कहीं भी आप सोने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर आप इसको, यदि आप कहीं ऊपर सोते हैं तो आपके सर के नीचे, यदि आप नीचे सो रहे हैं तो सर के पास आप इसको रख दीजिए। लेकिन रखना इसको इस तरह से है
कि आपका हाथ पैर कोई चीज़ लग ना जाए या ये फैल ना जाए, किसी भी तरीके से ये चीज़ फैलनी चाहिए नहीं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। यदि आपको ऐसा है कि आपका घर मान लीजिए कि छोटा है, रात को लोग उठते हैं, चलन फिरन होती है और इसमें किसी का पैर लग सकता है, ऐसा है तो किसी बड़े पात्र के अंदर इसको रख दीजिए, लेकिन किसी भी अवस्था में ये चीज़ फैलनी चाहिए नहीं, क्योंकि ये टोटका है, जब इसका उल्टा असर दिखाता है तो ये तकलीफ भी हो सकती है। तो इसको आप कटोरे में इस तरह से रखिए, अपने सिर के पास में आप इसको रख लीजिए। और यदि आपको पैसों से संबंधित कोई कार्य है तो आप इसमें चुपचाप देखिए, यह क्रिया बहुत ही गुप्त रीति से करनी है, इसके बारे में किसी को भी बताना नहीं है। एक का सिक्का, पांच का सिक्का, दस का सिक्का, कुछ भी उसके अंदर डाल दीजिए, जो आपने प्याले में तेल रखा है उसके अंदर आप डाल दीजिए। अब ये जो तेल है जो आपने प्याले में रखा, इसको अगले दिन सवेरे यानी रविवार के दिन आपको इस क्रिया को करना है। आपको क्या करना है कि ये जो तेल है इसको किसी भी हनुमान मंदिर के पास ले जाएं और हनुमान मंदिर के बाहर ले जा करके रख दें और उनसे प्रार्थना करें। ये जो तेल है ये आपको सरसों का तेल लेना है, हनुमान जी के मंदिर के बाहर ले जाएं और वहाँ रख दें, और वहीं से आपको हनुमान जी के मंदिर के अंदर नहीं जाना है, बाहर से ही आपको प्रार्थना करनी है कि आपका ये काम निकल जाएगा। तो आप इतना ही तेल हनुमान जी को अर्पित करेंगे और वो जो प्याला है उसके समेत आप उसको वहाँ पर छोड़ के चले आए। यदि आपने उसमें पैसा रखा है तो पैसा लेकर के किसी भी व्यक्ति को, कोई भी किसी को भी आप दान कर सकते हैं, अन्यथा वहाँ पर छोड़ देंगे तो भी कोई आपत्ति नहीं है, वहाँ पर छोड़ करके आ जाए। जैसे ही आपका काम निकल जाता है, एक दिन, दो दिन, चार दिन, आठ दिन, जैसे ही आपका काम निकल जाता है आपको क्या करना है, तुरंत आपको किसी वार की फिर राह नहीं देखनी है, समय की राह नहीं देखनी है, बुधवार है, गुरुवार है, मंगलवार है, चाहे जो भी वार है, आपको क्या करना है उसी दिन आपको वहां जाकर के हनुमान जी के मंदिर में उतना ही तेल आपको अर्पित कर देना है। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।